नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टटेक में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी के पहले प्रोग्राम को आप किस तरह से डिज़ाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे किसी भी सी के प्रोग्राम को लिखने से पहले हमारे पास एक कंपाइलर होना चाहिए जो सी के प्रोग्राम को कंपाइल करे और रन करे। जैसे कि आप यहाँ पर एडिटर भी देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो। इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो कि आपके सी को कंपाइल करते हैं। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, यानी कि सी के प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के लिए मैंने एक यहाँ पर आपके लिए वीडियो भी दी हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में इसके नोट्स चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहाँ पर आपको इसके डिटेल्ड नोट मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको सिंटैक्सेस पता होने चाहिए कि भाई कौन सा सिंटैक्स लगेगा, किस सिंटैक्स का क्या यूज़ है, वो आपको प्रोग्राम लिखते लिखते सब ध्यान में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। और यदि आपको सी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो उसके लिए आप मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें मैं सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा रहा हूँ, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम जिस कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं वो है बेसिकली वाइडली यूज़ होने वाला कंपाइलर टर्बो सी प्लस प्लस, जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस और स्कूल्स में यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या यूज़ तो दोस्तों टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर ये रहा, इसका शॉर्टकट मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर मेरा टर्बो सी स्टार्ट हो गया। टर्बो सी प्लस प्लस विंडोज 7 में छोटी स्क्रीन पर चलती है, और अगर आप उसे बड़ी स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी वीडियो भी मैंने आपको एक पहले से बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें। तो जिस तरह से हमको पता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं, प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव, यानी कि हम इसमें इंक्लूड करेंगे दो हेडर फाइल्स stdio.h और conio.h। stdio होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। एंड आफ्टर देन वी एड void main, main function is that function which is responsible for the execution of any program। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करता है, पुराने आउटपुट सभी को क्लियर करके एक नई डिस्प्ले देता है हर प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर get ch क्या होता है, आपके करेक्टर को गेट करता है और स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, यानी कि आउटपुट का जो शो कर रहा है वो गेट सी एच शो कर रहा है। अगर आप प्रोग्राम में गेट सी एच नहीं लगाएंगे तो वो आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा टर्बो सी प्लस प्लस में। प्रोग्राम रन होगा बट आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट मैंने बंद किया है वॉइड मेन के बाद शुरू किया है, यानी कि मेन फंक्शन में हमारा इतना काम हो रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम कि भाई हमारा सी का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। तो बेसिकली हमारा सी का प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर कंपाइल नाम का एक ऑप्शन है, हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, इसमें ऑल्ट प्लस F9, यानी कि ऑल्ट और F9 को अगर आप दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो कंपाइल होने पर हमने देखा एरर 0, यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें गलती तो कोई है नहीं। अब गलती नहीं है तो हम इसे रन करके और देखते हैं। रन, देखिए रन किया और ब्लैंक ब्लैक कलर की डिस्प्ले आने लगी, दैट मीन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये कैसा प्रोग्राम हुआ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए आपको कोई फंक्शन यूज़ करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो उसको प्रिंट कराने के लिए यानी कि आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए आपको आउटपुट फॉर्मेटिंग फंक्शन का यूज़ करना होगा, जो कि है printf। तो printf के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो ज्यों का त्यों यों ही प्रिंट हो जाता है। तो देखिए हम किस तरह से printf का यूज़ करते हैं।
प्रिंट एफ हमेशा कैप्स में नहीं लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, वरना आपकी सिंटैक्स एरर बनेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा है दो बार। एक प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया कोट्स में माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, और दूसरे प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया है कोट्स में हकिन क्रोएस सॉफ्ट टेक। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ प्रोग्राम को, तो रन कराने के लिए सिंपल है, पहले कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं। देखिए कंपाइल किया, जीरो एरर, दैट मीन जो भी मैंने सिंटेक्स वगैरह यूज़ किए हैं वो सब ठीक है। और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, तो देखिए रन होने पर क्या लिखा रहा है, माई फर्स्ट सी प्रोग्राम और हकीन क्रोएस सॉफ्ट टेक, पर वो एक साथ मिले मिले लिखे आ रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा ग्रेसफुल नहीं हो रहा। तो इसको हम चाहते हैं अगर ये अगली लाइन में लिखा है, तो उसके लिए हमारे एक छोटा सा सिंटैक्स है बैक स्लैश एन। तो आइए उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखाता हूँ। कंपाइलिंग, जीरो एरर। अगर हम प्रोग्राम में कुछ भी गलती कर रहे हैं, जैसे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया और उसके बाद कंपाइल कर रहे हैं, तो वो भाई दिखा देगा आपकी एक एरर है, जब व्हेन यू प्रेस एनी की, तो एरर भी बता देगा कि स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कि कहीं पर आपने एरर किया हुआ है, सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाया हुआ है। और अगर आप लगा देंगे सेमी कॉलन इस तरह से और दोबारा कंपाइल करेंगे, तो आपकी दिखाने लगेगा कोई एरर नहीं है। उसके बाद आप प्रोग्राम को सिंपल रन कर लें। देखिए रन करने के बाद अलग अलग लाइन में आउटपुट दिखा रहा है, माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, हकीन क्रोएस सॉफ्ट टेक और जी कृष्णा चौहान। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कंपाइलिंग और रन के लिए। अगर आप एक बार कंपाइल करके रन कर चुके हैं, दोबारा आप डायरेक्टली रन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई जो मेरा प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल ठीक है, तो आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं। देखिए आपका आउटपुट शो होने लगा, माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, हकीन क्रोएस सॉफ्ट टेक और जी कृष्णा चौहान। अब अगर आप जी कृष्णा चौहान के बाद एक सिलेक्शन दे देंगे और नेक्स्ट लाइन में कोई सिलेक्शन नहीं देंगे, तो जी कृष्णा चौहान के बाद अगली लाइन लिखी आ जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर कराना चाहूँगा, उसको और देख लेते हैं। जो हमारी विंडोज़ दिखती है ब्लैक, उसके बाद आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हमारा एडिटर पर आ जाता है। यह स्लैश एन की जगह अगर हम स्लैश टी का यूज़ करते हैं, वो भी स्मॉल, तो उससे क्या होता है, एक टैब की स्पेस छोड़ देता है नेक्स्ट लाइन में लिखने की बजाय। तो इसका आउटपुट देखते हैं भाई, इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखिए माई फर्स्ट सी प्रोग्राम और थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा हुआ है हकीन क्रोएस सॉफ्ट टेक, और नीचे लिखा हुआ है जी कृष्णा चौहान। तो शायद अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि भी स्लैश एन और स्लैश टी का क्या यूज़ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो दे दिए बैक स्लैश टी, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, माई फर्स्ट सी प्रोग्राम और हकीन क्रोएस सॉफ्ट टेक और जी कृष्णा चौहान एक साथ लिखा हुआ। तो शायद आपको ये पहले वीडियो, पहले प्रोग्राम की वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा किस तरह से हम पहले प्रोग्राम को लिखें और प्रिंट एफ यानी कि आउटपुट फॉर्मेटिंग फंक्शन का यूज़ करके, और किस तरह से ब्लैक डिस्प्ले यानी कि टर्मिनल पर हमारे किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने सीखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से सी का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराया जाए हमारे टर्मिनल पर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव तरीके से मैंने कोशिश की आपको एक सी का प्रोग्राम बनाने की। आप इस तरीके से अपना पहला सी का प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हमने जो बेसिकली यूज़ किए हैं कीवर्ड्स, वो है एक तो प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन, एक स्लैश एन, स्लैश टी और गेट सी एच। हमने ये यहाँ पर सिंटैक्सेस यूज़ किए हैं हमारे प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को।
जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके, वो भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। और हाँ, अगर आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है कि सर ये किस तरह से हुआ है, हमको तो ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।